सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जगप्रीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज हम जो कोठी देखने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कोठी होने वाली है। साइज जो इसका है 165 गज का साइज रहने वाला है। ये वो साइज है जिसकी डिमांड भी होती है। कोई कई बार हमें क्या होता है कि 6 मरले का घर जो होता है, यानी कि जो 150 गज का घर होता है, उससे बड़ा साइज चाहिए होता है और हमें 200 गज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। उस तरीके से ये जो साइज है काफ़ी अच्छा हमारा सर्व करता है। जो प्लॉट का साइज है वो हमारा 27x55 का रहने वाला है। 27 फुट का हमारी कोठी का फ्रंट रहने वाला है, एक वाइड फ्रंट। एंड एलिवेशन अगर आप देखेंगे, एलिवेशन हमने काफ़ी सुंदर बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने क्रीम कलर को यूज़ किया है। आपका टाइल्स पे वुडन ब्राउन शेड आ जाएगा और जो जहाँ पे आप आयरन का काम देखेंगे वहाँ पे हमने ग्रे पेंट को यूज़ किया है। तो इस तरह से हमारा कलर कॉम्बिनेशन का एक सुंदर सा एक ब्लेंड बन जाता है। इवन यही पैटर्न हमने नीचे कैरी किया है, जो हमारा ये आयरन का डोर है इस पे भी हमने ग्रे पेंट को ही यूज़ किया। अगर आप रैंप देखेंगे हमारा, तो यहाँ पे हमने टाइल्स वर्क किया है और ग्रेनाइट का काम किया है। अब जब हम अंदर आ जाते हैं, पोर्च एरिया आप देखेंगे तो स्पेस इतना अच्छा है कि आपकी बड़े से बड़ी जो प्रॉपर SUV है वो इजिली पार्क हो जाए, और इस तरफ 2-व्हीलर पार्किंग का स्पेस आ जाएगा। ये हमारा 2-व्हीलर पार्किंग का स्पेस आ गया, और इस तरफ हमारा इस तरह का स्पेस है कि हम हमारे जो पौधे हैं वो प्रॉपर रखे, जो गार्डनिंग का शौक है वो यहाँ पे पूरा कर सकते हैं और एक लुक जो है कोठी का एनहेंस कर सकते हैं। और बाकी तो कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कोठी को सुंदर बनाते हैं, जैसे कि एलिवेशन में जो हमने लाइट्स रखी है वो भी 4 चांद बढ़ा देते हैं हमारे एलिवेशन के डिज़ाइन के। तो आगे चलते हैं। अच्छा, कोठी में एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो लोकेशन रहने वाली है वो हमारी सेक्टर 125 ग्रेटर मोहाली की रहने वाली है। एक डेवलप्ड सेक्टर है एंड यहाँ पे फैसिलिटीज़ हमें सारी मिल जाती है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, चाहे हमारा डेली ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपको मोहाली जाना है, न्यू चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ निकलना है, एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी आपकी होने वाली है। एंड यहाँ पे आप ऊपर देखोगे, यहाँ भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा प्रोफाइल लाइटिंग और कॉब लाइट्स के साथ। और यहाँ एंट्रेंस वॉल पे आप देखोगे कॉलम डिज़ाइन के साथ वुड का काम है और लाइट्स का भी यहाँ पे काम किया हुआ है, क्योंकि देखो घर की जो एंट्रेंस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस जो है हमारा और अच्छा हो जाता है। आप जो हम डोर दे रहे हैं वो आपको मेश डोर भी लगा के दे रहे हैं, ऑफकोर्स वुडन डोर भी लगा के दे रहे हैं, जैसे हम कोठियों में लगा के देते हैं। 8 फुट की हाइट का एक बड़ा सा डोर है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी जो स्टेयर्स हैं वो एक्सटर्नल रहने वाली है, सो दैट अगर ज्वाइंट फैमिली है तो पोर्शन वाइज लिविंग कर सकते हैं, या फिर रेंट पे आप चढ़ाना चाहे तो रेंटल इनकम भी कर सकते हैं। और इस तरफ हमारा जो स्टोरेज है, छोटा सा स्टोरेज आ जाएगा, इन्वर्टर लग जाएगा या फिर कुछ और स्टोरेज करना चाहें हम, वो पर्पस भी यहाँ पे सर्व हो जाएगा। एंट्रेंस पे हमारी टीक वुड का काम आ जाएगा, टीक वुड प्लाई का यहाँ पे काम आ जाता है। और लोक हमारे डिजिटल आ जाएगा, ओजोन का लोक ब्रांडेड हम आपको लगा के दे रहे हैं, जो कि 3-4 वे से हमारा एक्सेस हो जाता है। और फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरास, कोठीस में हमने जगह जगह CCTV कैमरास भी हमारे इंस्टॉल किए हुए हैं। और अभी हम दरवाज़ा कर देते हैं बंद और आपको इंटीरियर दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो ड्राइंग डाइनिंग का सेक्शन आ जाएगा। तो ड्राइंग डाइनिंग का जो सेक्शन का हमारा जो स्पेस है वो 12x24 का रहने वाला है। आपको ड्राइंग एरिया दिखाते हैं, एक वाइड एंट्रेंस के साथ हमारा ड्राइंग एरिया रहेगा और इस तरह से रहेगा कि हमारे 10-सीटर सोफा सेट हमारे गेस्ट के लिए इजीली लग पाए। और फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे ना, तो फॉल सीलिंग में प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है कॉब लाइट्स के साथ, और पूरी कोठी में प्रोफाइल लाइटिंग को अलग अलग डिजाइन में दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज फॉल सीलिंग में आए उसी से घर की जो लुक्स है वो और सुंदर निकलती है। और यहाँ पे भी आप वॉल पे देखेंगे, जो मेन वॉल है यहाँ पे एक अलग तरह से हमने काम किया हुआ है, ग्रे शेड को हमने यूज़ किया है। कोठी में जो हमने कलर कॉम्बिनेशन किया है वो कलर कॉम्बिनेशन हमने लाइट रखा है, क्योंकि इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादातर हमें पसंद आता है, एक न्यूट्रल कलर्स के साथ कॉम्बिनेशन ही अच्छा लगता है। एक बड़ी सी विंडो आ जाएगी सनलाइट वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल जो सनलाइट है कोठी में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी है। ड्राइंग एरिया हमारा कवर हो गया, इस तरफ हमारा डाइनिंग सेक्शन आ जाएगा। डाइनिंग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हम आपको ये प्रॉपर वुड का काम करके दे रहे हैं। यहाँ पे आपके प्रॉपर कैबिनेट्स आ जाएंगे आपकी क्रॉकरी के लिए, या आपको कुछ और स्टोरेज करनी है वो अब आपका जो पर्पस है सर्व हो जाएगा। हमारा जो सामान है, अगर हम बाहर से भी आएँ तो इधर ईजिली प्लेस कर सकते हैं, सामान इधर उधर बिखरा भी ना रहे। और वैसे भी जो घर पर जो है स्टोरेज ज़्यादा हो तो ही अच्छा। एंड यहाँ पे अगर हम चाहे तो अपना जो LED है, TV जो है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पे आपको सॉकेट्स मिल जाएंगे। ड्राइंग डाइनिंग हमने कवर कर लिया दोस्तों। एक बार चाहूँगा हम फॉल सीलिंग इस एरिया की भी देख लें।
अब हम जा रहे हैं हमारे किचन की तरफ। 9x11 की हमारी खूबसूरत सी किचन रहने वाली है दोस्तों। एंड किचन पे आप जो कलर देखेंगे, बीज कलर को हमने यूज़ किया है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरफ हमारा बड़े से बड़ा फ्रिज लग जाएगा, फ्रिज का स्पेस आ गया। फिर ये आ गई हमारी ड्राई पेंट्री, तो यहाँ भी हम जो सामान वगैरह लेके आएंगे अपना किचन के लिए, इजीली यहाँ पे हम रख सकते हैं। स्टोरेज काफ़ी अच्छी निकल आती है, और ऊपर जो हमारी कबर्ड्स की स्टोरेज है वो तो अच्छी है ही है, तो स्टोरेज की हमें कोई भी कमी यहाँ पे रहने नहीं वाली। और एस्कॉर्नर्स भी हम आपको बना के दे रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ हम इसलिए लगाते हैं कि अंदर तक ना आपकी जो स्पेस है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो, स्पेस का वेस्टेज ना हो। इस तरफ भी प्रॉपर स्पेस आ जाएगी। हॉब चिमनी आपको एज इट इज लगा के दे रहे हैं हम। डबल बाउल सिंक, एक बड़ी सी विंडो हमारी किचन में भी। किचन हमने कवर कर ली है, कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आपको बेडरूम्स भी दिखा देते हैं। इस तरफ हमारे 2 bedrooms रहने वाले हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर के, एंड दोनों को जो साइज है वो 12.5x15 का रहने वाला है। बेडरूम नंबर 1 एक अच्छे साइज का बेड हमें मिल जाता है, एक लाइट शेड के वॉलपेपर के साथ। 2 यहाँ पे हमारे लैंप्स भी लगे हुए हैं, ताकि हम बेड लगाएं तो बेड के लेफ्ट और राइट में जब ये लैंप्स लगे होते हैं लुक काफ़ी अच्छी लगती है। ऊपर फॉल सीलिंग आप देखेंगे तो स्टेप फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी अलग मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका LED पैनल है ये अपना बीच शेड का आ जाएगा, एंड इसी शेड से मैचिंग हमारे कबर्ड्स रहने वाले हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं यहाँ पे, एक अच्छे स्पेस के साथ। हैवी लगेज ऊपर आ जाएगा। रूम का साइज भी अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छी है, वॉशरूम का साइज भी अच्छा है, एंड ऊपर का भी आप पोर्शन देखेंगे हमने काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ ऊपर वाला पोर्शन भी। अच्छा, यहाँ पे आपका जो है वो ड्रेसिंग का स्पेस आ गया। ड्रेसिंग के साथ भी आपकी स्टोरेज आ जाएगी, क्योंकि वो भी काफ़ी रिक्वायर्ड है, ड्रेसिंग के साथ स्टोरेज होनी ही चाहिए। कई बार ड्रेसिंग छोटा था उसमें मज़ा नहीं आता। साथ में हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा। मैं चाहूँगा पहले कैमरा आगे जाए। वॉशरूम का आप साइज़ देखेंगे, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और किचन में भी हमारी जो फिटिंग्स थी वो भी जैकवार की थी, और वॉशरूम में भी हमारे जो फिटिंग्स रहने वाली है जैकवार ब्रांड की रहने वाली हैं। एंड इस तरफ पीछे आ जाएगा हमारा बैकयार्ड। आइए प्लीज़। तो ये हमारा बैकयार्ड एरिया आएगा, यहाँ भी हमारा वॉशिंग एरिया बन जाएगा। तो यहाँ भी वेंटिलेशन के लिए स्पेस हमें प्रॉपर मिल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। बेडरूम नंबर 2 का साइज भी हमने जो रखा है वो अच्छा खासा साइज है, 12.5x15 का साइज है। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो आप फॉल सीलिंग का डिजाइन देखिए, क्योंकि फॉल सीलिंग का डिजाइन एकदम से चेंज हो गया। और साथ में अगर आप LED पैनल और वार्डरोब्स का डिजाइन देखोगे, कलर चेंज हो गया। वहां पे बी शेड था, यहाँ पे ग्रे शेड है, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया। यहाँ पे छोटे छोटे आपके जो है लैंप्स हैं वो भी लगे हुए हैं, लाइट्स भी लगी हुई हैं, बड़े से बड़े ही आपके LED इंस्टॉल होती है। और यहाँ भी आपके स्लाइडिंग वार्डरोब्स। स्पेस की कोई कमी नहीं है कोठी में। कोठी का ना मज़ा यही होता है, जब रूम साइज अच्छा हो, वार्डरोब हमारी बड़ी निकल आती है, और अच्छा सा हमारा ड्रेसिंग एरिया निकल जाता है। और सबसे अच्छा चाम होता है कोठी का, जो हमें छत मिलती है, बिकॉज फ्लैट को हम कभी घटा बढ़ा तो सकते नहीं, लेकिन कोठी में जगह इतनी होती है, अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे जैसे फैमिली की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए। तो यहाँ भी हमारी स्टोरेज आ जाएगी। और इस तरफ आप वॉशरूम देखिए, वॉशरूम में टाइल्स का डिज़ाइन एकदम से चेंज हो गया। वॉशरूम का डिज़ाइन आपको एकदम डिफरेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से जाके हम अपना फर्स्ट फ्लोर देखते हैं दोस्तों। यहां पे हमने स्टेज में ग्रेनाइट का काम किया हुआ है विद SS की रेलिंग के साथ, और HLP शीट्स को भी हमने साइड में यूज किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे आप देखेंगे यहां पे तो आयरन की हमारी ये जाली आ जाती है, जो हमारे एलिवेशन को सुंदर बनाती है। साथ में इसके बालकनी का स्पेस आ जाएगा जो हमारा आगे तक जा रहा है। तो ग्लास के वर्क के साथ है और SS की रेलिंग के साथ है दोस्तों।
तो अभी हमारे फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पे हम खड़े हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कोब लाइट्स का काम भी है हमारी जो डाउन सीलिंग में, और यहाँ पे लंबी लंबी टाइल्स का हमने यहाँ पे काम कर रखा है। तो लुक यहाँ भी शानदार है हमारे फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस का। मैश डोर आ गया बड़ा सा, 8 फुट का हमारा बड़ा सा दरवाज़ा आ गया। इस तरफ हमारा जो है सिटिंग एरिया बन जाएगा, इस तरफ हमारी किचन आएगी। किचन पहले देख लेते हैं हम। किचन का साइज़ हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। स्टोरेज नीचे जैसे किचन में प्राइमरी किचन की है, वैसी उस तरह से किचन की स्टोरेज हमारी ऊपर भी उतनी रहने वाली है। कई बार क्या होता है, हम कोटीज में देखते हैं कि जो नीचे वाली प्राइमरी किचन होती है वो बड़ी होती है, नीचे वाला एक छोटा सा बस किचनेट दिया होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जॉइंट फैमिली ने रहना है या रेंट पे भी देना है तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमारी किचन एक बड़े साइज़ की मिल जाती है, ये भी हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। इस तरफ हमारा सिटिंग एरिया बन जाएगा और यहाँ पे हमारा बेडरूम आ गया। बेडरूम का साइज़ हमारा जो रहने वाला है वो 12x13 का साइज़ रहने वाला है दोस्तों। फॉल सीलिंग आप डिज़ाइन देखेंगे, बिल्कुल एक डिफरेंट डिज़ाइन हो गया नीचे वाले बेडरूम्स के मुकाबले में। एंड कमी यहाँ भी किसी चीज़ की नहीं है। LED पैनल भी हम आपको बना के दे रहे हैं, वार्डरोब्स भी बना के दे रहे हैं स्लाइडिंग, और यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया भी मिल रहा है। बड़ी सी विंडो और सनलाइट वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त, नेचुरल लाइट आप देख सकते हो वीडियो में, काफ़ी अच्छी आ रही है। और ये हमारे स्लाइडिंग वार्डरोब्स, और एक जो कैच है वो ये है कि इस रूम का अगर आप वॉशरूम देखोगे ना, वॉशरूम आप देखिए, वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। जैगुआर की फिटिंग्स रहने वाली है दोस्तों, और वॉशरूम का टाइल्स का डिज़ाइन भी आपको डिफरेंट मिलेगा एंड साइज भी अच्छा है। और यहाँ पे हम आपको जो है वैनिटी भी बना के दे रहे हैं, और टॉयलेटरीज के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे आपका स्पेस आ जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी छत की तरफ। पीछे वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारा, वो हमारा छत का एरिया आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक और स्पेस देख लेते हैं जो चाहिए, वो है स्टोर का स्पेस भी होना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज कोठी में तो अच्छी है ही है, लेकिन हमारी जो कई बार पुराना जो सामान होता है वो हम रखना चाहते हैं एक कवर्ड स्पेस में। ये हमारा स्टोर का एरिया आ जाएगा। बाकी एक स्पेस आप जैसे चाहें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। कोठी का जो टेरेस का स्पेस है हमारा फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी अच्छा है, बिकॉज 165 गज का साइज़ है, तो उसी अकॉर्डिंगली खुली सी हमारी छत है। सर्दियों में एक अच्छी धूप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी काफ़ी अच्छी हो जाएगी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ गैदरिंग बहुत अच्छी लग जाएगी। हमारा बारबेक्यू लग जाएगा कोठी में, स्नैक्स बना के अपने दोस्तों के साथ अच्छी गैदरिंग कर सकते हैं। ये वो मज़ा जो फ्लैट में हमारा कई बार मिस हो जाता है। या हमें रूफ रेट चाहिए होता है, लो राइज में रूफ रेट चाहिए होता है, या हमें हाई राइज में टॉप फ्लोर या पेंट हाउस वाला कंसेप्ट चाहिए होता है, कोठी में हमें ये चीज़ भरपूर मिल जाती है। और यहाँ आपका जो है टैप्स का प्रॉपर प्रोविजन भी रहेगा, वॉशिंग एरिया भी आपका बन जाएगा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ऊपर भी हमारे टेरेस का एरिया आ जाएगा, छत का एरिया आ जाएगा, ओवरहेड वाटर टैंक के साथ अंडर वाटर टैंक हमारा नीचे भी है। बाकी जो हमारी कोठी की डिटेल्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी दोस्तों। तो ये हमारी स्पेशियस 3 बेडरूम कोठी जो आज हमने देखी। मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपके लिए और भी अलग अलग साइज की और सुंदर कोठियाँ लेके आता रहूँगा इन द नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।